money. Di atas awan belum binaran bersyukur. Karena saya dalam kondisi terdorong, bisa senjata roda, seringnya dengan panglo yang singkat, sadhana mendikti roda, kuncinya bersedia. Nanti kita mau itu berapa kemudian kerana प्रेत बाधा का देवताओं का उच्चारण है जो किया गया है तुम्हारे देव नाराज है सिद्ध बाबा नाराज है वह कृपा कर देंगे शरीर का जकड़ हुआ पालन पर ठीक हो जाएगा आशीर्वाद है यही बात है एकदम सही कोई संदेह किसी को बताया तो नहीं था अब पेशी करने शनिवार है तीन शनिवार चोला चढ़वाना है जितनी है ना पाइंट आते हुए भागो जी भागो जी वो जिद्दी है अपने पास नहीं सुनना लोग गेंदा चलाए सबकी बुद्धि ठीक होगी हमारा काम है ठीक करना आप तो तीन शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़वाना सरसों के तेल कहीं पर पानी रखे फिर बेटा है ठंडी है जगह नहीं है कहाँ कुछ जगह है देखो कभी आप उधर पीछे 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 जाओ पीछे वहाँ देखो वहाँ पीछे जाओ वहाँ देखिए वहाँ से वहाँ जाओ आप वही हो तो दरवाजे के बाहर बैठे हैं देखिए चलो गए देखिए ना चलो बैठ बाबा इधर देख एक पानी देख रहे हो देख इधर हम बोलो इधर हम बोलो कहाँ से आए हो राजस्थान में कहाँ ओ माता जी बैठ जाओ आप पीछे पहुंच जाओ या बैठ जाओ तीसरी कोई चर्चा आप पीछे पहुंच जाओ माता जी या बैठ जाओ पीछे अगर दिक्कत होगी तो लोगों के बच्चा बनने में दिक्कत होगी आप लोग ना नहीं बैठ जाओ सीताराम तब हाथ जोड़ लो बोलो सब पहली बार आए भैया नियम का पालन कर लोगे जाए तो
क्या क्या हो गया तबीयत? ये कौन है? कौन है ये? तबियत ठीक नहीं, पत्नी की पेट में अबचवा दांत बन गई है, आंखों में कैंसर का इंफेक्शन फैल गया है। आराम तो लगेगा पर आधा आराम लगेगा, कुछ आयु बढ़ जाएगी, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। चौथे स्टेज पर पहुंच गया है, डॉक्टरों ने कहा कि घर पर रहकर की सेवा करें, ऐसा कह दिया है। कुछ आयु बढ़ जाएगी, बालाजी लीला करेंगे, आशीर्वाद है। उसको भी आप प्रतिदिन चलाएं, डॉक्टर भी सलाह भी बीच बीच में दे दे रहे हैं, जाओ बालाजी तैयार कर दे देंगे, आशीर्वाद है। कैसे हो? क्या नाम है आपका?
बहुत बैठ जाइए भिगा देंगे पीछे पानी को कोई तो लास्ट बोल रहा आपको ओ भैया ले बैठ रहे हो ओ भैया बाहर निकल जाने बैठे तो बढ़ जाए आप भी बढ़ जाए बोलो क्या बात है बाबा क्या हो गया जय श्री राम जय श्री बागेश्वर धाम। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर धाम पर आ चुके हैं और आज से ही बागेश्वर गुरु जी दिव्य दरबार लगा रहे हैं तथा बागेश्वर धाम सरकार 6 सितंबर तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। सितंबर महीने में बागेश्वर धाम सरकार की कथाएं और दिव्य दरबार कौन कौन सी तारीख को बागेश्वर धाम पर लगने वाला है, अन्य स्थानों पर बागेश्वर गुरु जी की कथाएं कौन कौन सी तारीख को होंगी, हमने अपने चैनल पर उन सभी वीडियो को अपलोड कर रखा है, आप उन सभी वीडियो को देखकर सही जानकारी को प्राप्त कर। जय श्री राम जय श्री बागेश्वर धाम। मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते ही हैं बागेश्वर गुरु जी बागेश्वर धाम पर आ चुके हैं और रोज़ नियम से 6 सितंबर तक दिव्य दरबार लगाएंगे तथा सितंबर महीने की हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उन सभी वीडियो को देखकर सही जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तथा दिल्ली में बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार कौन सी डेट में तथा कौन सी तारीख को लगने वाला है, आप उन सभी वीडियो को देखकर सही जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, उसके लिए जय श्री राम जय श्री बागेश्वर धाम।